हेलो दोस्तों, आज मैं हूँ दरभंगा का तारामंडल म्यूजियम में। तो फाइनली आज ब्रदर के साथ तारामंडल साइंस म्यूजियम दरभंगा में घूमने आया था, और देखने में बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंफर्टेबल फील, और बहुत ही अच्छा स्पेस ये है। टिकट काउंटर ये है तारामंडल कैंप साइंस म्यूजियम दरभंगा, और यहाँ पर आने के बाद ही एक अलग सा फील आता है देखने में, घूमने में, क्योंकि यहाँ पर ना स्पेस बहुत सारा है। और यहाँ से ऊपर जाते हैं और राउंड लगाते हुए जो है घूमते हुए, बहुत अच्छा पार्क है। तो फिलहाल इस बातों पे ब्रेक लगाते हुए मैं आपको साइंस म्यूजियम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि इसका टिकट एक आदमी का 70 रुपीज़ है, और दूसरी बात कि आप डे में किसी भी दिन आ सकते हैं, संडे मंडे ट्यूजडे फ्राइडे अदर्स डे किसी भी दिन आ सकते हैं। जैसे कि आप मूवी देखने जाते हैं उसका एक शेड्यूल होता है, उसी तरह की इसका भी एक शेड्यूल है। आप किसी भी टाइम आएँ और किसी टाइम देख लें, ऐसा नहीं होता है। आप आएँ और आपको एक जो शेड्यूल है उसके हिसाब से आपको आपको टिकट मिलेगा, आपको अंदर जाने को मिलेगा। जब तक आप बाहर में एंजॉय कीजिए, पार्क है, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए एवरीथिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि म्यूजियम के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। और फिर आप म्यूजियम के अंदर में जाएंगे तब आपको ब्लैक चश्मा मिलेगा। अब ब्लैक चश्मा इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब आप बैठेंगे चेयर पर तो आपको डिस्प्ले में प्रोजेक्ट के द्वारा जब एडवांस टेक्नोलॉजी और मिसाइल के बारे में, चंद्रयान या वगैरह वगैरह के बारे में बताया जाएगा तो उसमें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ब्राइटनेस से अनकम्फर्टेबल फील ना हो इसलिए ब्लैक चश्मा लगाया जाता है कि किसी को आँख में प्रॉब्लम ना हो। और एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब आप चश्मा लेते हैं तो टूटा फूटा या कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब आप रिटर्न देंगे अगर उसमें टूटा पाया गया तो आपको पेनल्टी लगेगा 500 रुपीज़ का। तो इस बात का ध्यान रखें। और ये है म्यूजियम का टेरेस जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये है रास्ता, इस पे सीढ़ी नहीं है, इस पे राउंड राउंड चढ़ते हुए आप टेरेस पे जा सकते हैं। जैसे कि ये टेरेस है, आप यहाँ से इसके चारों तरफ किसी तरफ भी आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये है टेरेस, इस पे बहुत ही अच्छा अच्छा पेड़ लगा हुआ है, फूल का पेड़ हुआ है। आप कहीं भी खड़े हो जाए कहीं पर भी और फ़ोटो खींचे, बहुत ही अच्छा फ़ोटो आपका आएगा। समझिए एक तरह से वो गार्डन है। और ये म्यूजियम के साइड का बिल्डिंग बनने का काम चल रहा है। ये टेरेस है, टेरेस पे ये गैलरी है। गैलरी से आप बाहर देखेंगे तो बाहर का नज़ारा आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये रोड जो है हाईवे से अटैच है, और ये ग्राउंड फ्लोर का गार्डन है। इसी में जो है वो नीचे पानी है, इस पर लोग बैठ के पाँव हाथ धोते हैं, इंजॉय करते हैं। और ये बहुत लंबी सीढ़ी है, जब आप तारामंडल प्रोग्राम देख के बाहर निकलते हैं तो यहाँ से इनका एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से आपको उतरना होता है। और ये तारामंडल हाउस है जिसमें प्रोग्राम देखा जाता है। और ये म्यूजियम का ग्राउंड फ्लोर ग्लास है, यहाँ पे लोग आकर सेल्फी खींचते हैं क्योंकि इसमें पूरा साफ साफ दिखता है, अंदर का कुछ नहीं दिखता है। ये है म्यूजियम का गोल हाउस, इसके नीचे पानी रखा हुआ है और पानी के तीनों साइड सीढ़ी बना हुआ है जिसपे लोग बैठ कर एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक करते हैं। ये है म्यूजियम का बीच सेंटर जहां से गोल हाउस एकदम एक्यूरेट दिखता है। और ये रहा टॉयलेट, इसके नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पे टॉयलेट है।
अब हम आ चुके हैं तारामंडल म्यूजियम के अंदर, सिक्योरिटी गेट से अंदर हो चुके हैं। अब जो सिक्योरिटी गेट था उसके पीछे जो है लगेज वगैरह जो भी आपके पास सामान है वो पीछे रख सकते हैं, और रखने के बाद जो है यहाँ से आगे जा रहे हैं हम लोग। ये है सीढ़ी, सीढ़ी पे चढ़ने के बाद जो है फर्स्ट फ्लोर पे ही म्यूजियम के अंदर में जाने का है। हालांकि लिफ्ट भी है लेकिन लिफ्ट अभी बंद है फिलहाल। ये ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर आने का ही सीढ़ी है। हालांकि देखा जाए तो ये सीढ़ी थोड़ा लॉन्ग है क्योंकि नेचुरली जो होता है फर्स्ट फ्लोर थोड़ा कम होता है, लेकिन इसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा है इसलिए लॉन्ग दिख रहा है। अब फाइनली जो है हम म्यूजियम के गोल्ड हाउस के अंदर एंटर होने वाले हैं। ये चेकिंग पॉइंट है और यहीं पे जो है चश्मा दिया जाता है। ये लेडी हमें मना कर रही है कि आप मोबाइल का कैमरा ऑफ कीजिए, लेकिन हम चालू किए हुए, लेकिन अब फाइनली ऑफ कर देंगे। अंदर आने के बाद मैंने सोचा कि कुछ क्लिप ले लिया जाए ताकि मैं आप सबको दिखा सकूं कि अंदर कैसा दिखता है, क्योंकि अभी प्रोग्राम चालू नहीं हुआ है। क्योंकि प्रोग्राम चालू होने के बाद अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो पकड़े जाने पे पेनल्टी लगता है 1000 रुपये का। अब फाइनली जो है म्यूजियम से बाहर निकल चुके हैं। म्यूजियम के अंदर में समथिंग 45 मिनट हम लोग थे, हालांकि उसका टाइमिंग 1 घंटा कुछ था लेकिन शॉर्ट करके हम लोग को दिखाया गया। खैर ये जो सामने दिख रहा है वो एग्जिट पॉइंट है, वहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे। ये लिफ्ट है उतरने का लेकिन ये लिफ्ट बंद है फिलहाल। जब आप एग्जिट गेट से बाहर निकलेंगे और पहली नज़र में आप सीढ़ी को देखेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाए। सबका तो नहीं होगा लेकिन फाइनली किसी किसी का हो जाता है, क्योंकि इतनी लॉन्ग सीढ़ी और प्लस जो उसका स्टेप है वो थोड़ा हाइट ज़्यादा है तो इसलिए पैर रखने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन फाइनली जो है हो जाता है। तो अगर उस पे से आप उतर रहे हैं तो थोड़ा आराम से उतरें, धीरे धीरे उतरें, केयरफुल होकर के उतरें।